अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर के लिए नहीं, बहुत अफसोस की बात है कि मालेगांव शहर में कोरोना के जो पेशेंट मिले हैं, जो कोरोना के मरीज है, कल तक ये रिपोर्ट है 27 से 28 लोग हो चुके हैं और अभी भी 101 लोग की रिपोर्ट गई है। इसमें से पता नहीं कितने लोग और निगेटिव पाए जाएंगे, पॉजिटिव पाए जाएंगे। तो ये मालेगांव शहर के लिए बहुत फिक्र करने वाली बात है कि मालेगांव शहर में ये मरीज का मिल जाना अफसोस की बात है। तो अब मालेगांव शहर वालों को ये चाहिए कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने घरों में बैठे और पुलिस शासन का ही पूरा साथ दें। पुलिस शासन जो बोल रही है उस पे अमल करना चाहिए और अमल करो। अब इसी तरह मालेगांव शहर के जितने भी डॉक्टरान हैं, नामवर डॉक्टर है, मालेगांव शहर में डॉक्टर लोग की एक से एक हस्ती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर है और हर वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं है कि जहां डॉक्टर नहीं है। हर वार्ड में दवाखाने, कोई वार्ड में देखेंगे 5 दवाखाने, कोई वार्ड में देखेंगे 10 दवाखाने। तो ये डॉक्टर लोग को भी अब सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपने मालेगांव शहर में कैंप के हिसाब से दवाखानों का इंतजाम करना चाहिए। मालेगांव शहर के डॉक्टर अगर ये कोशिश करें, मेहनत करेंगे, तो मालेगांव में जो कोरोना के जो बीमार मिल रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इसमें इजाफा कम होगा और इनका इलाज होने लग जाएगा। तो मालेगांव के टोटली डॉक्टर लोग को ये सोचना चाहिए कि आप प्रधान साहब से बात करें, कलेक्टर साहब से बात करें, कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से बात करें, मेयर साहब से बात करें, इसी तरह एमएलए साहब से बात करके जितने भी शासी पदाधिकारी है ये लोग से बात करके अब मालेगांव शहर में कैंप लगाना बहुत जरूरी हो गया। अब ये डॉक्टर लोग अगर चाहे तो मालेगांव शहर के मरीजों में ज्यादा से ज्यादा इलाज करके इनको बचाने की कोशिश करे और ये जितने रफ्तार में केसेस सामने आ रहे इनको कम करने की कोशिश करें। अब मालेगांव शहर में ठीक है, लॉकडाउन का जो भी जैसे भी पालन कर रहे, बाकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ये चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में बैठे, डॉक्टर लोग को उनका काम करने दे, शासन को अपना काम करने दे, शासन का साथ देते हुए ये लॉकडाउन का पालन करें। और तमाम ही डॉक्टर लोग से गुजारिश और करूंगा कि अपने कच्चे वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। कच्चे वार्डों में घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, आबादी ज़्यादा रहती है और इसमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है लोग को। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के या तो ये चलते फिरते जो दवाखाने मलेरिया के जो दवाखाने चलते थे इससे पहले भी, तो ऐसे दवाखानों का भी इंतजाम करें। चलत फिरत दवाखाने भी हर वार्ड में 2 घंटे के लिए जारी करें। यही गुजारिश है और शायद डॉक्टर लोग को ये चीज़ करना चाहिए, भले कलेक्टर का सहारा ले वे, प्रधान साहब का सहारा लेकर, कॉरपोरेशन का सहारा लेकर ये लोग को मनवा कर। तो ये सब चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए और जब भी काबू में आएगा अपन ये सोचेंगे कि भाई ऐसे
बोलने से काबू में आएगा, इनको दवा जरूर भी होना चाहिए, दवा की भी ज़रूरत है। तो डॉक्टर लोग से एक अपील है कि आप सब सर जोड़ करके बैठिए और मालेगांव शहर को बचाने की कोशिश करिए।